वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। तो मूवी की शुरुआत होती है एक जुआरी लड़के ली से, जिसको पढ़ने लिखने की उम्र में जुआ खेलने की लत लग गई। हालांकि ली काफी टैलेंटेड था, क्योंकि वो दूसरों के रिएक्शन से ही उनके पत्ते समझ लेता। तभी वो यहाँ से पैसे जीत कर अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, जहाँ आज उसकी मॉम भी आई हुई थी। तभी उन्होंने ली से पूछा कि बेटे, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ली ने कह तो दिया कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन असल में वो चाहकर भी अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब वो क्लब से वापस घर आने लगा, तभी उसे ये महिला मैडोना मिल गई, जो कि काफी सैड थी। तब ये दोनों कुछ खाने पीने पहुंचे, जहां मैडोना ने उसे समझाया कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम जैसे लप्पू लड़के के पास कोई भी टैलेंट होगा। ली बोला कि तुमने कभी इस लप्पू के पप्पू को कमाल नहीं देखा, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। इनकी ये बातें चली रही थी कि तभी मैडोना एक गाड़ी देखकर बाहर आई, जहां एक आदमी जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में डाल के ले गया। अब मैडोना चली तो गई, लेकिन उसने ली के दिमाग में अपना घर बना लिया, जिसके चलते ली सिर्फ उसके ही बारे में सोचने लगा। अगले दिन जब वो वापस घर जा रहा था, तभी उसकी टक्कर इस कार से हुई, जिसमें ली ने मैडोना को भी देख लिया। तभी उस कार से ड्राइवर बाहर आकर ली को चमकाने लगा कि अंधा है क्या? असल में ये सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, बल्कि गैम्बलिंग का किंग डीमन था, जिसने ली के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया। तभी मैडोना और डीमन यहाँ से चले गए, जिसके बाद ली ने देखा कि उसके साइकिल का पहिया भी टूट चुका है, इसलिए वो उस पहिये को लेकर डीमन के पास पहुंचा, जहां उसने डीमन को एक पॉकर गेम के लिए चैलेंज किया। तब डीमन ने अपने $10,000 की शर्त लगाई, जिस पर ली भी अपने $10,000 लगाने के लिए मान गया। लेकिन जैसे ही गेम आगे बढ़ा, तब ली ने कीमत और बढ़ाते हुए कहा कि अगर मैं तुमसे एक भी मैच जीत गया, तो मैं एक दिन या कहूं रात के लिए मैडोना को डेट पर ले जाऊंगा। डीमन भी खुशी खुशी इस चीज के लिए मान गया। अब इनका जुआ स्टार्ट हुआ, जिनमें इनके डीलर खुद मैडोना थी। गेम के शुरुआत से ही ली काफी कॉन्फिडेंस में था कि वो इस गेम को चुटकी बजाकर जीत जाएगा। जिस बीच में इन भाई साहब ने अपनी सारी चिप्स दांव पर लगा दी, लेकिन जब डीमन ने अपने पत्ते दिखाए तो ली का मुंह पौने किलो का रह गया कि ये क्या हुआ। फिर भी उसने हार ना मानते हुए काफी सारे पैसे उधार लिए, जिसके बाद ये गेम फिर से शुरू हुआ। गेम फिर से शुरू जरूर हुआ, लेकिन ली की झिंगुर जैसी किस्मत ने अपना रंग नहीं बदला। ये देखकर मैडोना ली को मना भी करने लगी, लेकिन अभी तो इन भाई साहब को कैसे भी करके मैडोना को डेट पर ले जाना था, जिस चक्कर में उसने अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि भाई ने सपने देखे थे मैडोना की आंखों में डूबने के, लेकिन इस सपने ने उसे कर्जे में डुबा दिया। यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे आई, जहाँ ली को उसके लेनदार बेल्ट ट्रीटमेंट दे रहे थे। जिस बीच यहाँ ये लंबी जुल्फों वाला जैक आया, जो इन लोगों से बोला कि छोड़ दो उस लड़के को, तुम्हारा जितना भी कर्जा है मैं उतार दूंगा। भाई ने ये लाइन इतने कॉन्फिडेंस में बोली कि जैसे कर्जा उतारने की जगह छत से कपड़े उतारने की बात हो रही हो। खैर, इस चक्कर में ली जैक का कर्जदार बन गया, इसलिए वो जैक से बोला कि मैं आपका सारा उधार जल्दी चुका दूंगा, जो कि हर कर्जदार कहता ही है। खैर, तब जैक ने उसे अपने पुराने दोस्त के बारे में बताया, जिसे गैम्बलिंग का लॉर्ड कहा जाता था, और वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि ली का ही फादर था। तब जैक उससे बोला कि तुम मुझे एक रुपया भी मत देना, क्योंकि मैं तो खुद तुम्हारे पापा का कर्जदार था। ये सुनकर ली यहाँ से जाने लगा। तभी जैक उससे बोला कि एक बार चेक जरूर कर लो कि कहीं डीमन के साथ तुम्हारा वो मैच एक जाल तो नहीं था। ये सुनकर ली जल्दी से उस जगह पहुंचा, जहां वो डीमन के साथ मैच हार गया था। तब उसे पता चला कि असल में उस दिन मैडोना खुद डीमन से मिली हुई थी। अगले दिन ली वापस जैक के पास पहुंचा, जहां वो बोला कि प्लीज आप मुझे जुआ खेलना सिखा दो। तब जैक उसे मना करते हुए कहने लगा कि देखो, जुए में इंसान पहले तो पैसा हारेगा, फिर अपनी फैमिली और फिर अपनी आत्मा को ही खो देगा।
लेकिन तब भी ली उसकी बात ना मानते हुए बोला कि मैं आपको अपना टैलेंट प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। इतना कहने के बाद उसने जैक को कैसीनो का एक गेम जीत कर दिखाया, जिससे कि जैक ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। और टीम मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैक के साथ और भी लोग मिले हुए थे, जिनमें यह है खांची, एक कार्ड डीलर वॉन और ये बॉडी से धोखा देने वाली क्यूटी नौरा। असल में ये लोग यहाँ एक बिजनेसमैन मूल को फूल बनाने की प्लानिंग करने के लिए इकट्ठा हुए, जिसमें इनका प्लान यहाँ से शुरू हुआ कि अगले दिन खांची और नौरा मूल से एक मीटिंग करने पहुंचे, क्योंकि इन्हें मूल की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा खरीदना था। प्रॉपर्टी देखने के बाद ये लोग खाना खाने पहुंचे, जहाँ इन्हें मूल को एक गेम खेलने के लिए फंसाना था, और इस काम में नौरा ने अपना पूरा सहयोग दिया। अब इनका गेम स्टार्ट हुआ, जहाँ ये लोग मूल को हरा कर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने लगे कि मूल तू तो गेम खेलने में भी है फूल। इस हार के बाद मूल का ईगो हर्ट हो गया, इसलिए उसने जैक के कहने पर दो टाजा इन सिंपल वर्ड्स मान लो कि प्रोफेशनल जुआरी। तो मूल ने जैक के कहने पर दो प्रोफेशनल जुआरी वॉन और ली को हायर कर लिया। मूल ने जैक की बात भी इसलिए मानी क्योंकि जैक अपने टाइम का सबसे बढ़िया टाजा था। अब उसी शाम फिर से इनका गेम शुरू हुआ, जहां मूल ने अपनी तरफ से ली और वॉन को ये गेम खेलने के लिए कहा, ताकि ये दोनों नौरा और खांची को हरा सके। ली और वॉन ने बड़ी आसानी से खांची और नौरा को हरा दिया, जिसे देखकर मूल काफी खुश हुआ कि आखिर मैंने अपना बदला ले लिया। इसी खुशी में उसने ली को $10,000 दिए कि चलो तुमने मेरी इज्जत बचा ली। तभी खांची ने दोबारा से मूल को खेलने के लिए बुलाया, क्योंकि उसे अपनी हार का बदला लेना था। लेकिन असल में तो अब इनका रियल प्लान शुरू हुआ, क्योंकि इस वक्त मूल पूरा कॉन्फिडेंस में था कि ली और वॉन उसे जिता ही देंगे। अब इनका गेम शुरू हुआ, जिसमें फिर से खांची और नौरा की टीम हारने लगी। ये देखकर मूल काफी खुश हुआ कि सारे पत्ते मेरे हिसाब से ही चल रहे हैं। लेकिन तभी नौरा ने बड़ी चालाकी से वो पत्ते बदल दिए, जिसके बाद इन्होंने मूल को तब तक उकसाया जब तक उसने अपने सारे चिप्स दांव पर नहीं लगा दिए। ये देखकर खांची ने परेशान होने का नाटक किया, जिससे मूल को लगा कि उसके पत्तों के आगे खांची के पत्ते खाक बराबर हैं। लेकिन जब खांची ने अपने पत्ते इन सब के सामने रखे, तो मूल और उसके चेलों की सारी खुशी दुख में बदल गई, क्योंकि मूल यहाँ असली वाला फूल बन चुका था। पर तब भी वो ली और वॉन से कहने लगा कि हम जल्दी ही उनसे सारा पैसा वापिस जीत लेंगे। इतने में ही यहाँ एक गाड़ी आई, जिसमें पता है कौन थी, मैडोना, जिसको देखकर ली का मन भी दोना दोना करने लगा। तभी उसने मूल से पूछा कि आखिर तुम इस मैडोना को कैसे जानते हो। मूल बोला कि वो तो मेरी प्यारी पार्टनर है। ये सुनकर ली भी सोचने लगा कि ये बुड्ढा फालतू बातें बहुत करता है। लेकिन फिर उसने बताया कि वो मेरी ऐसी बिजनेस पार्टनर है, जिसको मैंने सिर्फ बाकी लोगों को फंसाने के लिए रखा हुआ है। ये सुनकर ली मैडोना के पास पहुंचा, जहां वो बोला कि तुम मूल से अलग हो जाओ, क्योंकि हम जल्दी ही उसका सारा पैसा लूट लेंगे। ये बताकर उसे लगा कि जैसे मैडोना उसे इनाम देगी, और हाँ बिल्कुल सही लगा, मैडोना ने उसे बढ़िया इनाम तो दिया। लेकिन उस मजे के बाद ली को सजा के लिए भी तैयार होना पड़ा, क्योंकि मैडोना ने मूल को सब कुछ बता दिया था। तब मूल के आदमियों ने ली को प्रसाद देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उसके कुछ आदमी नौरा और खांची को भी पकड़ने पहुंचे, जहां खांची ने ज्यादा ही हवाबाजी दिखाते हुए नौरा को तो वॉन के साथ यहां से भेज दिया, लेकिन खुद इन गुंडों से मार खाने लगा। यह मूल ली को लेकर रेड लाइट पर पहुंचा, जहां लाल बत्ती के बीच किसी ने इनकी कार लाल कर दी, और ये और कोई नहीं बल्कि जैक ही था, जो ली को अपने साथ लेकर यहां से चला गया। अगली सुबह जब ली की आंख खुली, तो यहां जैक की पूरी टीम थी, सिवाय खांची के। तब ली बोला कि भैया मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। तब जैक ने उसे कहानी बताई कि बहुत टाइम पहले मैंने ही तुम्हारे डैड को धोखा दिया था,
जिसके चलते डीमन नाम के जुआरी ने उन्हें जान से मार दिया। जैक बोला कि धोखेबाज की कोई माफी नहीं होती, बल्कि वो तो खुद इस गिल्ट में जीता है कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई। ये सुनकर ली इस टीम को छोड़कर चला गया और जैक भी खाची को बचाने के लिए निकल गया। यहाँ से कहानी कुछ महीनों आगे आई, जहाँ ली अभी भी ताज पत्तों में ही लगा हुआ था। तभी उससे मिलने वहाँ खाची पहुंचा। ली ने उसे देखते ही माफी मांगनी शुरू कर दी। तब खाची बोला कि किस बात की माफी, तुम्हारी वजह से जैक मारा गया? ये सुनकर ली का दिमाग हिल गया कि जैक कैसे मर सकता है। तब खांची ने बताया कि जैक ने खांची को बचाने के लिए खुद को मूल और डीमन के हाथों सौंप दिया। ये सुनकर ली ने फैसला किया कि वो मूल और डीमन से जैक और अपने पिता का बदला जरूर लेगा। इसलिए वो यहाँ से सीधा डीमन के अड्डे पर पहुंचा, जहाँ वो बोला कि मैं तुमसे एक फाइनल मैच करना चाहता हूँ, जिसमें बाजी पैसों पर नहीं बल्कि हमारी जान पर लगेगी। डेमन और मूल भी इस मैच के लिए तुरंत मान गए, क्योंकि वो तो पहले भी ली को हरा चुके थे। अब मैच से एक रात पहले मैडोना ली से मिलने पहुंची, जहां वो बोली कि क्या तुम डेमन के पैसे चुराने में मेरी मदद करोगे? ली बोला कि मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं, मिस डबल ढोल की। तब मैडोना बोली कि तुम तो वैसे भी उस मैच को नहीं जीत पाओगे, क्योंकि मूल और डीमन एक टीम बनाकर खेलेंगे। असल में मैडोना को डीमन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डीमन ने हमेशा से उसके साथ बुरा बर्ताव ही किया। ये सुनकर ली ने उसे कमरे में बुला लिया, जहां हमें पता चला कि ली तो पहले ही मूल के साथ मिल चुका है, जिसने मूल को भी मैडोना का असली चेहरा दिखा दिया कि ये डबल ढोल की इधर से उधर भागती रहती है। तब मैडोना अपनी जान बचाने के लिए इनके साथ ही मिल गई, जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग डीमन को हराकर वो सारा पैसा आपस में बांट लेंगे। अब अगले दिन जब गेम शुरू हुई तो इन सबकी टांगों को चैन से बांध दिया गया, ताकि कोई भी रोने धोने का भाना करके यहाँ से भाग ना पाए, क्योंकि इस गेम में जो हारेगा वो डायरेक्ट समुद्र की तरफ रवाना हो जाएगा। अब इनका गेम शुरू हुआ, जिसके बीच में ही ली ने डीमन से पूछा कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा था। तब डीमन ने बताया कि तुम्हारे डैड ने जैक के कहने पर बहुत सारे पैसे चुराए थे, जो उन्होंने कभी वापस नहीं दिए, इसलिए ही मैंने तुम्हें कर्जे में डुबाकर अपना वो बदला पूरा किया था। इनकी इस कलेशबाजी के बीच ही मैडोना अपना गेम खेल गई, जिसमें कि मूल ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। तब ली ने डीमन को तब तक प्रवोक किया जब तक डीमन ने अपने सारे चिप्स दांव पर नहीं लगा दिए। डीमन सोचने लगा कि वाह भाई, एक घंटे में पैसा डबल। यही सोचते हुए उसने अपने कार्ड्स दिखाए कि देखो मैं जीत गया। लेकिन मैडोना के कार्ड बदलने की वजह से इस गेम में डीमन नहीं बल्कि मूल के साइड में बैठा ली जीत गया। डीमन के हारते ही एक ड्रम ने उसका पैर अपनी तरफ खींचा, जिससे कि वो पानी में जाकर डूबता कि उससे पहले ही उसने किनारा पकड़ लिया। ये देखकर मैडोना अपनी चैन खोलकर, मतलब पैरों की चैन खोलकर डीमन के पास आई, जहां उसने डीमन का वही हाथ काट दिया जिससे उसने वो किनारा पकड़ा हुआ था। अपना बदला पूरा करके मैडोना यहां से बिना पैसे लिए चली गई, जिससे कि ये सारे पैसे मूल और ली के हो गए। वो दोनों इन पैसों को लेकर इस शहर से बाहर जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही मूल ने ली को धोखा देते हुए कहा कि अगर अपनी जान प्यारी है ना भैया, तो चुपचाप गाड़ी से उतर जाइए, वरना हमारा ये ड्राइवर आप में एक चाकू उतार देगा। उसने कहा ही था कि तभी ड्राइवर ने उल्टा मूल के सीने को ही अपना चाकू गिफ्ट कर दिया, जिससे कि मूल पर फूल की माला चढ़ गई। असल में ली ने पहले ही उस ड्राइवर को अपने साथ मिला लिया था, जिसके बाद ये उस कार को ठिकाने लगाकर अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। कुछ दिन बाद ली ने जैक की टीम के लिए काफी सारे पैसे भिजवाए, ताकि वो उस गलती की कुछ तो भरपाई कर सके। अब यहाँ से वो अपने घर पहुंचा, जहाँ उसने अपनी मॉम को बताया कि मैं एग्जाम में पास हो गया हूँ। तब उसकी मॉम ने भी उसे एक बात बताई कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गए थे, जिसको मैंने अभी तक तुमसे छुपा कर रखा।
लेकिन अब मैं उस चीज को तुम्हारे हवाले करती हूँ। और वो क्या था दोस्तों? वो थे बहुत सारे पैसे। लेकिन तब भी अब ली सही रास्ता चुनते हुए एक बैंक में जॉब करने लगा, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि गैम्बलिंग का रास्ता उसका फ्यूचर खत्म कर देगा। और दोस्तों सच में गैम्बलिंग बहुत खराब चीज है, लोगों के घर तक डूब जाते हैं इसमें। इवन मेरे पास बहुत सारे स्पॉन्सर आते हैं कि सर आप हमारी गैम्बलिंग या बैटिंग साइट का प्रमोशन कर दो, लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस चैनल पर ऐसी किसी भी गलत चीज का कोई प्रमोशन कभी नहीं होगा। अब चलो आज के शाउट आउट देखें, जहां डीलू भाई नेपाल से वीडियो देख रहे हैं। आप कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताओ, और सही जगह बताना, कहीं लिख दो युगांडा फुगांडा। हाइड्राफ भाई तुम्हारा नाम मैंने वीडियो में ले लिया, आप चलो 100 रुपए पेटीएम करो। और हाँ, ये कुछ अलग ही प्रजाति निकल कर आई है, जो कोई कहता है शाउट आउट नहीं दिया तो सुपारी दे दूंगा, एड्रेस रिवील कर दूंगा, मरने के बाद भूत बनकर डराऊंगा, सिंगल रह जाओगे, अलाना फलाना। ए इनके कमेंट पढ़ के एक बंदे ने कह भी दिया कि शाउट आउट मांग रहे हो, उधारी मांग रहे हो, पर क्या कर रहे हो भाई, मेरे को तो कुछ अलग ही चक्कर लग रहा है। जो भी है कमेंट करके जरूर बताना। अब चलो वीडियो में जोन सी भी अच्छी लगी हो, मतलब कुछ भी अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ दब दब खेल लेना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।